एक बार हल्की सी। नहीं आएगा यार, एक सेकंड की बात है। बच्चों के सामने ये सब नहीं करते। कहाँ है बच्चा? वो तो बाहर गया है खेलने। इतनी धूप में मैंने मना किया तो उसको लू लग जाएगी। यार वो देख लेगा अपना, तुम इधर तो आओ एक सेकंड। ये सब हरकतें इस उम्र में शोभा नहीं देती। तुम्हारे चाचा तो इस उम्र में भी चाची से देवानंद की तरह प्यार का इजहार करते हैं, तो तुम क्यों इमरान हाशमी बनना चाहते हो? करवटें बदलते रहे सारी रात हम। आयोडेक्स दूं? मरहम तो एक ही है। क्या? अबे ट्यूशन के लिए रजिस्टर लेना है, मैं स्टेशनरी से लेता हूँ। ओके 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 बाय। बाघों में बहार है, कलियों पे निखार है, हो तुमको मुझसे प्यार है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे बिना जिया जाए ना। तू न जाने आस पास है बेटा। अरे तू इतनी जल्दी वापस आ गया, तू तो खेलने गया हुआ था ना? ट्यूशन जाना है ना, इसलिए आया हूँ। हाँ बेटा जाओ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आज बहुत ज्यादा पढ़ना, थोड़ा देर तक आएगा तू भी चलेगा। मम्मी तुम भी चलो मार्केट सब्जी ले लेना। फ्रिज में पड़ी है सब्जी बेटे। मुझे टिंडे खाने हैं। जब टिंडे बनते हैं तब सुअर जैसी शक्ल बनाता है, और अब जब नहीं है तो लाट साहब को खाना है। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। दीदी शादी की सालगिरह मुबारक हो। और जीजा जी आपको भी बोलना पड़ेगा क्या? अरे ठंडा पानी पिलाने के लिए लाता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, गुनगुना चलेगा। मामा आपने बताया नहीं आप आने वाले हो। बेटा लड़कियों के डीएम में डिक पिक्स और टीटू मामा कभी बता के नहीं आते। तुझे हमारी सालगिरह याद थी? दीदी तुम्हारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता हूँ मैं। आज के दिन ही तो जीजा जी तुम्हें मुझसे छीन के ले गए थे। ले जाए वापस। क्या दिख रहे हो एक दूसरे को? दे दे वांजे। मम्मी पापा ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या है? सारेगामा कारवां। अरे इसमें लता मंगेशकर, किशोर, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे जैसे आर्टिस्ट के 5000 एवरग्रीन गाने हैं, और हर मूड के हिसाब से गाने फिट हैं। जैसे आज जीजा जी रोमांटिक मूड में है वैसे रोमांटिक गाने भी हैं इसमें। अरे वाह, कैसा लगा गिफ्ट? मैं अपनी पॉकेट मनी जोड़ के लाया हूँ। बहुत अच्छा है बेटे, खुद के पैसों से खुद को गिफ्ट मिलने का मजा ही कुछ और है। क्या? कुछ नहीं, चलो मार्केट चलते हैं, तुम दोनों बैठो आराम से बातें करो। और जीजा जी बढ़िया मूवी लगी है, जाके देख के आओ दोनों। ये मैं टिकट निकाल के लाया हूँ, आराम से आना। क्यों? सालगिरह है दोनों की, थोड़ा वक्त बिताओ साथ में। तुम नहीं चलोगे साथ में? अब मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, आप दोनों जाओ। फिल्म का नाम क्या है? जीजा के इतने सवाल साले ने कर दिया हलाल। क्या? अरे कितने सवाल पूछते हो यार, चुपचाप जाके फिल्म देख के आओ ना। क्या फिल्म, कौन सी फिल्म, वही देख लेना। ठीक है चलो 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 चलो। ओके मामा, आपको इनकी एनिवर्सरी याद थी, मेमोरी स्ट्रांग है। बेटा मेरा सिर्फ पुल आउट गेम स्ट्रांग है, वो तो कल तेरी इंस्टा स्टोरी देखी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, तो सोचा यही सही टाइम है। मतलब? दीदी और जीजा जी के लिए कुछ बढ़िया प्लान करते हैं आज, एक छोटी सी पार्टी, सारे दोस्तों को बुला के सरप्राइज दे देते हैं। हम कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते और ना वो मांगते हैं, इस छोटी सी पार्टी से दे वो कितने खुश हो जाते हैं। बेस्ट आइडिया है, लेकिन वो तो अभी आ जाएंगे, तैयारी कैसे करेंगे? तभी तो फिल्म की टिकट निकलवाई, मार्केट घूमेंगे, फिल्म देखेंगे, अपने पास आराम से 4-5 घंटे हैं। वो दोनों का है? कौन दोनों? तेरी जिंदगी में दो ही चूतिया हैं। बेबी तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ चलूंगा। हेलो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, स्टारबक्स चलेंगे। 300 की कॉफी इज नथिंग फॉर मी, मेरा तो इतने का दिन का रिचार्ज होता है। मैच फोन रख। इफ यू वांट आई कैन कम टू योर प्लेस। अच्छा लेकिन आई कॉल यू मिडनाइट। ओके। हेलो बेटा, ये तेरे बिस्तर में घुसने के लिए बहुत झूठ बोलेगा, इसकी मीठी बातों पर मत जाना। अरे क्यूब तो सुअर के बच्चे भी होते हैं, तो क्या उनके साथ भी कॉफी पे जाओगी? एक बात बताओ, ये तुमसे पूरा दिन बात करता है, सिर्फ रात को 12 बजे टेक्स्ट करता है? बेटा ऐसो को फक बॉय कहते हैं। रात के 12 बजे के बाद की गई कॉल बूटी कॉल होती है, तो तुम्हें भी पता है, तुम समझदार हो। ओके बेटा मैं बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, हाँ बुरा मत लगाना। ओके ओके चलो भाई। ये क्या किया आपने? कॉक ब्लॉक। टीटू के सामने सिर्फ घर वालों का फोन उठाएगा, ये कुच्चू पुच्चू भांग भोसड़ा यहाँ नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? पर मुझे वो पसंद ही है। चूहा और आदमी सिर्फ छेद की तरफ भागता है, तुझे अगर वो सही में पसंद होती तो ये 300 रुपए का शो ऑफ नहीं करता। मामा जी ये सिर्फ कोशिश करता है, आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। होगा भी नहीं बे, लड़की इन पैसों से, शो ऑफ से, बड़ी बड़ी बातों से नहीं पढ़ती। बी हम्बल, बी योरसेल्फ, वही मैटर करता है बहुत। तुम्हारा झूठ तो वो पहली मुलाकात में पढ़ लेती है, लेकिन फिर भी भोली होती है इसलिए दूसरा मौका देती है। हम लोग मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी पार्टी प्लान कर रहे हैं। तेरे पास जीजा जी के दोस्तों के नंबर है ना? हाँ कुछ खास दोस्तों के हैं। बढ़िया, तुम में से कोई अपने दोस्तों को इन्वाइट करना चाहता है? मैं। मुझे लगा ही, नाम लिखवा। सोनाली, राशि, प्रेरणा, माधवी, रिया
आशिमा बे मिस इंडिया के ऑडिशन चल रहे हैं क्या? सुन बे, पूरी पार्टी में मेरी नजरों के सामने रहेगा। अगर किसी लड़की के साथ इधर उधर हुआ तो तेरी 32 तोड़ के हाथ में दे दूंगा। पूरी जिंदगी लिक्विड डाइट पे जिएगा। किस पे जिएगा? फिर बुला ही नहीं रहा किसी को बेंच। मैं ड्रिंक अरेंज करवाता हूँ, मैं वेन्यू बुक कर देता हूँ। मामा इधर पास में सरकारी हॉल है, रेंट पे मिल जाएगा। बेटा सरकारी काम और टट्टे लटकते रहते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैं कुछ जुगाड़ लगवाता हूँ। हाँ गुल्लू, अरे ये जीजा जी के घर के पास कोई जगह मिल सकती है जहाँ पे पार्टी कर सकते हैं? ना ना, शमशान से कैसे मुर्दे हटाएंगे इतनी जल्दी। रुक मैं देखता हूँ तब। हेलो, हाँ जी सर, आज आपको वेन्यू चाहिए था। एक छोटी सी गैदरिंग है 20-25 लोगों के लिए। 100? मामा ये तो कह रहे हैं मिनिमम 100 लोग चाहिए। उसको बोल जगराता नहीं रखवा रहे, छोटी सी फैमिली गैदरिंग है। बोल रहे हैं सबके बच्चे भी तो होंगे। मैं दूसरों की सेक्स लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड है? फोन रख दे। हेलो मनोज भाई, वो एक रेंट पे हॉल चाहिए था, 30 लोगों की गैदरिंग है, हो जाएगा? What? कितना? 1.5 लाख। इधर दे। हेलो, नाम क्या है? मनोज बेंच। हाँ मनोज बेंच, मनोज भाई ये एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग है और बजट 50,000 का है, तो आप बताओ कितना कर सकते हो? थोड़ा कम करो ना। चलो 55 ले लो। अच्छा थोड़ा मैं झुकता हूँ, थोड़ा आप झुको, 60 ले लो। चलो ना आपका ना मेरा, 70 में डन करो। ऐ जाना लौड़ू। क्या हुआ, थोड़ा और झुक जाते? बेटा उतना झुको जितना सही हो, जरूरत से ज्यादा झुकने पे लोग पीछे से मार के चले जाते हैं। तो वेन्यू का कैसे करें? मैं टेंट मंगवा लेता हूँ, यही घर के नीचे लगा लेंगे मैच। ठीक है, सस्ता भी पड़ेगा। तू केक ऑर्डर कर और तू जीजा जी के दोस्तों को फोन करके इनवाइट कर ले। पहले वर्मा अंकल से पूछता हूँ। हेलो 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 बेटा, इनकी तो अपनी प्राइवेट पार्टी चल रही है। मामा ये मिसेस वर्मा है, ये ऐसी बात करती है। हेलो बहन जी, वो जीजा जी की लारगिरा सालगिरह है, तो आपको बुलाना चाहता है मेरा भांजा। हाँ तो वो रास्ते का क्या, वो जो चौड़ी वाली सड़क है तो वहां से पीछे से घुमा के यू टर्न ले लेना। बेटा रहने दे, इस फूल को बुलाएगा तो सारे भवरे इसके पीछे लग जाएंगे। रंड आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यार मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? आजकल मन्नू सिनेमा हॉल में कौन देखता है फिल्में? मन्नू सिनेमा हॉल? इतनी बदबूदार कुर्सियां, सब में से बात आ रही थी। कौन सी फिल्म लगी थी वहाँ? हमार लहंगा में वाईफाई। क्या? गुल्लू को तो बोला था रोमांटिक फिल्म की टिकट निकालने को। आइटम डांस शुरू होते ही सब अपनी बनियान निकाल के नाचने लगे। पापा आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैंने बनियान पहनी नहीं थी, कैसे उतारता? अरे वो कह रहा है वहां से निकले क्यों नहीं? वेट कर रहे थे इंटरवल होने का, उसके बाद निकल गए। तुम्हारे साथ आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सुनो तो, सब सत्यानाश। वो टेंट का क्या करना है? तेरा मुंडन चल। नहीं मुझे नहीं होना गंजा, मैं तो ऐसे कह रहा था मामा जी। अरे नहीं मैं तो ऐसे कह रहा था भाई, रोक लो मामा जी।